नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ जीके की ट्रिक्स बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप जीके को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको केसरी उपनाम वाले व्यक्ति को याद करना है कि किन किन को केसरी उपनाम वाले उपनाम की उपाधि मिली है, तो आप सिर्फ एक लाइन याद कीजिए, बिहारी श्री कृष्ण बने पंजाबी के लाल, आंध्रा में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। बिहारी श्री कृष्ण बने पंजाबी के लाल, आंध्रा में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता है, ऐसे ही पंजाबी के लाल पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, आंध्रा में प्रकाश हुआ आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन को जाना जाता है, ऐसे ही आंसू चले बंगाल तो बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। ऐसे ही दोस्तों यदि आपको मुगल काल की सीरीज को याद करना है कि पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, आपको याद नहीं रह पाता है, तो आप सिर्फ भाज जाओ सबको याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर। आप जाओ को साइलेंट कर दीजिए, सबको याद कीजिए। एस से फिर शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर जास जफर। ऐसे ही दोस्तों यदि आपको ग्रीक दार्शनिक के नाम को याद करना है जो कि सिकंदर के गुरु भी रहे हैं, तो आप सिर्फ एक याद कीजिए, एस पी अर्जुन सिंह। एस से सुकरात, ए से एस पी पी, पी से प्लूटो, फिर अर्जुन सिंह, ए से अरस्तु और एस से खुद सिकंदर। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों यदि आपको 1928 में क्या क्या हुआ था ये याद करना है, तो आपको याद करना है कि साई ने 28 बार जिनको देखा, साई ने 28 बार जिनको देखा, साई से साई कमीशन। 28 यहाँ डिनोट 1928 को कर रहा है दोस्तों। साई ने 28 बार जिनको देखा, साई का मतलब साई कमीशन, ने से नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। साई ने 28 बार जिनको देखा, जी से जिन्ना फार्मूला, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यदि आपको अकबर के ने क्या क्या कार्य किए हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो थे उसके, महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनको याद करना है, तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि जब जोधा आई अकबर को 5 फतेह मिली, जब जोधा आई अकबर को 5 फतेह मिली, तो जब जे, जैसे आप जहांगीर महल को याद कर सकते हैं। बी से बुलंद दरवाजा, जब जोधा आई, जोधा 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 से आप जोधा बाई महल को याद कर सकते हैं, जोधा आई। आ से आगरा का किला। उसके बाद दोस्तों ई से इलाहाबाद महल और इबादत महल दोनों हो सकते हैं। फिर अकबर, अकबर को 5 फतेह मिली, अकबर, अकबर का किला। ऐसे ही ए, दोबारा ए, अजमेर का किला, अकबर, तो अकबर का किला, अजमेर का किला, इन दोनों को याद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ही 5 फतेह मिली, 5 से पंचमहल का किला और फतेह से फतेहपुर सिकरी। ऐसे ही दोस्तों आप यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को याद करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ बक मई बकना को याद करना है कि बक मई बकना, बी से बम्बई में हुआ था जो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बक मई बकना, बी से बम्बई जो कि 1885 में हुआ था, बक के से फिर कलकत्ता 1886 में हुआ था, मई मई बक मई, मैं से मद्रास जो 1887 में हुआ था, ई से फिर इलाहाबाद बक मई तो वो 1888 में हुआ था, बक मई बकना। फिर बी से दोबारा बम्बई दोस्तों 1989 में हुआ था, के से फिर कलकत्ता, कोलकाता जिसे कहा जाता है, ये 1890 में हुआ था, उसके बाद बकनाने से नागपुर जो कि 1891 में हुआ था। अच्छा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।